हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में देखेंगे सबसे पहले व्हाट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स सेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बॉडी के कौन कौन से मेन पार्ट्स जो हैं दे आर टेकिंग पार्ट फॉर द टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, लाइक नर्वस सिस्टम है ना, एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द अवर बॉडी। तो अब देखना है हमको रिफ्लेक्स सेक्शन। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि दे आर हेल्पफुल टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर एनीथिंग विच इज हैपन्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स वर्ड का जनरली मतलब क्या होता है, कॉमनली कोई भी सडन एक्शन होना, ठीक है ना। एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का सडन एक्शन हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्स, ठीक है। और वो सडन कोई भी मतलब कि सडन एक्शन हो रहा है उस पर अगर कोई सडन रिस्पॉन्स हो रहा है तो डैट इज एक्शन, ठीक है ना। सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है, वो हो गया रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद उस पर सडन रिस्पॉन्स कर देना, डैट इज एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो जनरली यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आई जम्प्ट आउट ऑफ द वे ऑफ अ बस रिफ्लेक्सली, आई पुल्ड माई हैंड बैग फ्रॉम द फ्लेम, ठीक है, रिफ्लेक्सली। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन की एक्चुअल वर्किंग क्या है वो देखना है हमको। ये डायग्राम दिया हुआ है एक रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क किस तरीके से जो है वर्क करता है, क्या उसकी स्टेप्स हैं, किस तरीके से इट कैन बी वर्क, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारा ब्रेन है, ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। देखिए हम इससे समझते हैं कि क्या है। देखो अ क्विक एंड द सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू अ सर्टेन स्टिमुली दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है इसमें, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। विड्रॉल ऑफ द हैंड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नी जर्क एक्सेट्रा। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, एक पाथवे होता है जहाँ से इम्पल्सिस जो हैं पासिस होती है, ठीक है ना। इम्पल्स मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पास हो रही है, वो पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो देखो ये एक पाथवे दिया हुआ है, आपकी बुक में डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है। देखो कोई स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस मतलब कि क्या, या तो हीट होना किसी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है, या करंट लग जाना, या फिर बहुत कोई चीज़ बहुत ठंडी लग जाना, ठीक है, बहुत कोल्ड रहना, ठीक है, या फिर एकदम से आंखों के सामने कोई बहुत तेज सी लाइट आ जाना, लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है, जैसे कि सनलाइट हो सकती है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया हीट, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हो उसमें भी हीट का ही एग्जांपल है, हॉट वाटर। रिसेप्टर क्या है, हीट को डिटेक्ट करने के लिए हॉट वाटर में क्या डालेंगे, हम हाथ डालेंगे, तो हाथ डालने से हमारी बॉडी में कौन सा रिसेप्टर है जो इसको स्किन जो होती है वो तुरंत इसको डिटेक्ट कर सकती है कि पानी गर्म है। हमारी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पास करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के थोड़ा पहले वाला जो पार्ट होता है वो, है ना, अभी डायग्राम में आपको बता देंगे। ये किससे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड में इन्फॉर्मेशन जाती है वो कहाँ पर कन्वर्ट होती है, मोटर नर्व में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, मसल्स में जाती है, मतलब कि इफेक्टिव ऑर्गन, सबसे इफेक्टिव ऑर्गन क्या है, मसल्स है हमारी, ठीक है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और जैसे ही हमने रिस्पॉन्स किया तो हीट, इसलिए हमने हाथ को क्या किया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्स करना मतलब कि रिस्पॉन्स तीन टाइप का हो सकता है, एक वॉल्यूंट्री होता है, एक इनवॉल्यूंट्री होता है, एक रिफ्लेक्सेशन होता है। वॉल्यूंट्री में वॉल्यूंट्री रिस्पॉन्स जो होते हैं जैसे कि टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सब जो होते हैं ये कौन से रिस्पॉन्स हैं, वॉल्यूंट्री रिस्पॉन्स हैं। कौन कंट्रोल करता है इनको, ब्रेन का जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन इन्वॉल्यूंट्री एक्शंस जो होते हैं, लाइक हमारी हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, इरेगुलर और द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट्स, मतलब कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं बॉडी में, जो एक्सटर्नल मूवमेंट हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो शो हो रहे हैं हमको, हम जैसे कि हाथ हिला रहे हैं हम, तो ये हमारा वॉल्यूंट्री एक्शन है। लेकिन हम सांस ले रहे हैं या हमारी हार्ट बीट चल रही है या ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में रेगुलेट हो रहा है, वो टाइप, वो कौन से टाइप का है, इनवॉल्यूंट्री एक्शन होता है, ठीक है। वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन।
अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब कि बहुत क्विक रिस्पॉन्स वाला जो एक्शन है, जैसे कि एकदम से हमको करंट लगा और हमने वहाँ से अपना हाथ हटा दिया, ठीक है ना, इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो हमारा ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें, सी, तो नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS भी कहते हैं, एक होता है पेरिफेरल डेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज PNS, ऑटोनोमिक डेट इज ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रैनियल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, अराइज होती हैं, और जो स्पाइनल होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइव होती हैं, अराइज होती हैं, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो ऑटोनॉमिक होता है नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बुक का डायग्राम है। यहाँ पर एक हॉट वाटर का बाउल दिया हुआ है, देर इज अ कप ऑफ हॉट वाटर। ये देखिए, ये हमारा रिसेप्टर है, बॉडी स्किन हमारी रिसेप्टर है। हीट या पेन को हमने रिसेप्ट हमारी स्किन ने रिसेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी कर रहे हैं। यहाँ से हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिली, ब्रेन को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो जो रिले न्यूरॉन होते हैं उन्होंने इसको कहाँ पास किया? मोटर न्यूरॉन में। फिर इफेक्टर, जो हमारी मसल्स हैं आर्म्स में, जो मसल्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि दिस इज़ द हॉट एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन और आवर बॉडी। तो हमारा हाथ क्या हो गया? वहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, सी। ये दिया हुआ है एक जनरल सा डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये फोर ब्रेन है, इतना हिस्सा। फोर ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद मिड ब्रेन है ये, ठीक है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है तो ये हमको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, देखिए ब्रेन का क्या काम है? कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, इसके बाद हमारे तक आने वाली है ना। द ब्रेन डज अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें क्या हो रहा है? ब्रेन हमारी ब्रेन की कोई एक्शन हुआ और हमारे ब्रेन ने उसके बारे में सोचा, इसके बाद रिस्पॉन्स किया ना हमारी बॉडी ने। तो ब्रेन का क्या काम है? रिस्पॉन्स करना, ठीक है, सोचना, समझना। द ब्रेन हैज़ द थ्री मेजर पार्ट्स ऑल द रीजन्स, मेनली फोर ब्रेन, हिड ब्रेन एंड द मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का क्या काम होता है? मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। इट हैज़ द रीजन वेयर विच रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। मतलब कि फोर ब्रेन के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें वो रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन आ रही है डेट आर इम्पल्सिस, ठीक है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स जो एक्शन कर रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ को समझ पाना, किसी चीज टेस्ट आ जाना, ठीक है ना, सुन लेना, देख लेना, तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स के लिए यहाँ पर सेपरेट एरियाज जो हैं फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर द सेपरेट एरियाज ऑफ द एसोसिएटेड विद द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एज वेल एज विद द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन आवर ब्रेन। बेस्ड ऑन ऑल दिस, देखिए ये तो हो गई बात फोर ब्रेन की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्रेन का जो पार्ट है
ये देखिए फोर ब्रेन के बारे में ही बताया कि रिफ्लेक्स सेक्शन का जो पूरा काम है वो फोर ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, रिसेप्टर्स जो है फोर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है सी, जस्ट अभी आपको बताया था कि वॉल्यूंट्री एक्शन, इनवॉल्यूंट्री एक्शन एंड द रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो वही है हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कहाँ कहाँ पे जो है हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो इनवॉल्यूंट रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आर मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। जितने भी वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर जितने भी इनवॉल्यूंट सॉरी वॉल्यूंट्री एक्शंस जो हैं जैसे कि हम बाइसिकल राइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वॉल्यूंट रिएक्शन है। कौन उसको पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सी, ये देखिए ह्यूमन ब्रेन्स हैज द थ्री मेजर पार्ट्स, अभी आपको बताया आपकी बुक में से भी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। वो डायग्राम में दिया हुआ है सेरिब्रम, क्या क्या फंक्शंस हैं उसके ये देखते हैं। थिंकिंग पार्ट जो होता है वही होता है हमारा फोर ब्रेन, कंट्रोल द वॉल्यूंट रिएक्शंस, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज मेमरी, ठीक है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ठीक है, मतलब कि भूख लगी है, ये भी आपको कौन इंडिकेट करता है, जो आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट है दैट इंडिकेट्स ऑल दिस। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट्स, ठीक है। ये था फोर ब्रेन की बात हो गई, मतलब कि फोर ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं वो हो गया। अब है दूसरा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट आता है, सेरिब्रम, डायग्राम के अंदर अच्छे से शो है, ठीक है। सी, ये रहा डायग्राम, ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ये सेरिब्रम, ठीक है। अब अगर हिंड ब्रेन की बात करें, सी नेक्स्ट सॉरी मिड ब्रेन की बात करें, तो मिड ब्रेन में दो पार्ट्स आते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस का काम होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी में जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का काम होता है हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने का काम, ठीक है। अब हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड द पॉन्स, ठीक है। सेरिबेलम का काम है कंट्रोल्स द पोस्चर एंड द बॉडी बैलेंस, ठीक है, एज वेल एज कंट्रोल द प्रिसिशन ऑफ वॉल्यूंट रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद मेड्यूला का काम है इनवॉल्यूंट रिएक्शंस को कंट्रोल करना, और पोन्स का काम है इनवॉल्यूंट रिएक्शंस को कंट्रोल करने के साथ साथ रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन हो रहा है, मतलब कि जो प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। और अभी जो रिफ्लेक्स सेक्शन की बात हो रही थी, तो ये हो गए हमारे बाकी के पार्ट्स, हिंड ब्रेन एंड ऑल, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। रिफ्लेक्स सेक्शन की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, यहाँ से कौन से ब्रेन की कौन से पार्ट में जाती है, मिड ब्रेन में जाती है, वहाँ से फिर एक्शन होता है, ठीक है। अब देखें ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं, जिससे ब्रेन क्या है, देखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड। ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है फिल्ड विद बैलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड एनक्लोज इन क्रैनियम दैट इज ब्रेन बॉक्स, और स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है सी, ये अभी हमने देख लिया कि ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, ये वही है, ठीक है ना, बोनी बॉक्स, ये ब्रेन इससे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एक फ्लूइड है सराउंडेड विद द बोनी बॉक्स दैट इज दैट प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन, एज वेल एज जो बैक बोन्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द नर्वस सिस्टम कॉसेस एक्शन, मतलब कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें किस तरीके से एक्शंस होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।